गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज बात करेंगे CA125 ट्यूमर मार्कर की कि किस कंडीशन में बढ़ता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, कितने में हो जाता है, क्या इंटरप्रिटेशन होता है इसका, ओवेरियन कैंसर में इसका क्या रोल है, कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें बढ़ता है, कितना बढ़ता है, कितनी रेंज तक बढ़ जाता है, क्या बढ़ना हर बार कैंसर होता है, ये सारे जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन है उसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं CA125 की। ये नॉर्मल भी फीमेल्स में निकलता है, नॉर्मल एंडोमेट्रियल सेल्स हैं, फैलोपियन ट्यूब की सेल्स है, एंडो सर्विस के सेल्स हैं, वो CA125 निकालते हैं। तो CA125 का निकलना हमेशा कैंसर नहीं होता, हमेशा ट्यूमर नहीं होता, लेकिन जो ओवेरियन कैंसर है उस ओवेरियन कैंसर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलता है। नॉर्मली ओवरी CA125 को नहीं सिक्रेट करती, लेकिन ओवरी के कैंसर में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलता है, इसलिए इसका ओवेरियन ट्यूमर में यूज होता है। CA125 जो इतना कॉमन टेस्ट है, आजकल लगभग हर लैब में हो जाता है, जिसको ओवेरियन कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में प्रोजेक्ट करा जाता है। तो उसके अगर यूज की बात करें तो आपको ये समझना है कि ये स्क्रीनिंग में उतना इफेक्टिव नहीं है, मास स्क्रीनिंग के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसका जो बेसिक यूज है CA125 का, वो आफ्टर ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं ओवेरियन कैंसर के लिए वो कितना इफेक्टिव है उसकी मॉनिटरिंग के लिए है। जैसे किसी लेडी को ओवेरियन कैंसर है, अब उस कैंसर में जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे केमोथेरेपी दी, रेडियोथेरेपी दी गई, तो CA125 से ये पता चलता है कि इसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि अगर किसी महिला को CA125 ऑपरेशन के पहले नाप लिया गया, ऑपरेशन के बाद उसके लेवल को देखना, अगर लेवल कम हुआ इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, और अगर लेवल नहीं कम हुआ इसका मतलब कि अभी बीमारी है, अभी कैंसर है। तो बेसिकली ये ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को देखने का काम आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है इसका ट्रीटमेंट के जो फॉलो अप केस होते हैं, जैसे किसी को ट्रीटमेंट आपने दे दिया, उसके बाद जब दोबारा से महिला आती है 6 महीने में 3 महीने में बुलाया जाता है, उस समय CA125 लेवल देख के ये पता कर लिया जाता है कि बीमारी दोबारा से तो नहीं आ रही, जिसको हम लोग रिकरेंस बोलते हैं। कैंसर के साथ अमूमन ऐसा होता है कि ज़्यादातर कैंसर कुछ दिनों बाद रिकर करते हैं, मोस्टली बहुत सारे कैंसर ऐसे करते हैं। तो जैसे किसी ने ट्रीटमेंट कराया, उनका CA125 कम हो गया, कुछ दिनों बाद वो फॉलोअप पे थे, जांच कराते रहे, कभी ऐसा आया कि CA125 का लेवल बढ़ता गया, उस समय एक इंडिकेशन मिलता है कि लगता है ये बीमारी दोबारा से लौट आई है। तो रिकरेंस को देखने के लिए और ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए काम आती है। मास स्क्रीनिंग के लिए बहुत अच्छा टेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो ओवेरियन कैंसर होता है अर्ली स्टेज में, स्टेज 1 में सिर्फ 50% ओवेरियन कैंसर है जिसमें ये बढ़ता है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा कि ये बहुत सारी ऐसे बिनाइन कंडीशन है जिसमें CA125 के लेवल बढ़ता है, और बहुत सारी नॉन ओवेरियन कैंसर उसमें भी CA125 के लेवल बढ़ता है। तो मतलब ये कोई स्पेसिफिक टेस्ट ओवरी के लिए नहीं है, इसलिए मास स्क्रीनिंग के लिए नहीं अच्छा है, लेकिन स्क्रीनिंग के लिए कुछ कंडीशन में अच्छा है। एक कंडीशन स्क्रीनिंग के लिए ऐसी हो सकती है कि अगर किसी महिला को ट्यूबो ओवेरियन मास मिलता है, मतलब ओवरी में कोई या ट्यूब में मिला के कोई एक सॉलिड मास सोनोग्राफी मिलता है, उस केसेस को इवेल्युएट करने के लिए CA125 काम आएगा, उस केस में वो स्क्रीनिंग करने के काम आएगा, स्पेशली अगर महिला की एज 50 साल से ज़्यादा है। और दूसरा कि अगर ऐसी कोई महिला जो हाई रिस्क पे मतलब कि उनकी फैमिली में ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री रही है, या तो खुद उनको कुछ जीन होते हैं जैसे कि एक BRCA1 जीन है या BRCA2 जीन, अगर ये पॉजिटिव है तो उस केसेस में भी स्क्रीनिंग में काम आएगा क्योंकि वो हाई रिस्क पे हैं। तो ये तो इसके यूज हो गए। अब अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें कि जो CA125 का लेवल है वो कितना होता है, तो नॉर्मली जो इसका लेवल होता है वो अप टू 35 यूनिट पर ml होता है, मतलब 0 से 35 यूनिट पर ml, इतना है तो नॉर्मल है। अगर इसके ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर जा रहा है मतलब कि बढ़ रहा है। अब ये बात आपको बिल्कुल ध्यान देने वाली है कि बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां हैं जिसमें CA125 का लेवल बढ़ता है, तो किसी का CA125 का लेवल बढ़ जाए मतलब ओवेरियन कैंसर है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि यार CA125 के बढ़ना हमेशा कैंसर होता है, तो जी बिल्कुल नहीं, बहुत सी ऐसी बिनाइन कंडीशन है जिसमें बढ़ जाता है, कई बार तो नॉर्मल हेल्दी सब्जेक्ट में भी बढ़ा रहता है, तो ये भी आप समझो कि कई बार किसी महिला को कुछ भी नहीं रहता तो भी बढ़ा रहता है, और बहुत सारी जो नॉन ओवेरियन कैंसर है उसमें भी बढ़ा रहता है, नॉर्मल जो लेवल है 35 तक है। अब जो बढ़ने की कंडीशन है हम पहले उसको देख लेते हैं। तो बढ़ने की पहले बिनाइन कंडीशन मतलब कोई कैंसर नहीं उसमें बढ़ता है, तो एक तो है जैसे एंडोमेट्रियोसिस है उसमें बढ़ जाता है, जो यूट्रस के अंदर गठान होती है फाइब्रॉइड उसमें बढ़ा हुआ मिल जाता है, यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन है उस केसेस में बढ़ा हुआ मिल जाता है, कई बार जो लीवर की बीमारियाँ जैसे कि हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है, इसमें बढ़ा मिलता है,
कई बार जो पेरिटोनाइटिस है उसमें बढ़ा हुआ मिलता है, पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन है पैंक्रियाटाइटिस उसमें बढ़ा हुआ मिलता है, रीनल फेलियर में बढ़ा मिलता है, ओवेरियन सिस्ट में बढ़ा हुआ मिलता है। ये जो महीना आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है वो 4-5 दिनों के दौरान बढ़ा हुआ मिलता है, प्रेगनेंसी के शुरुआती जो दिन होते हैं उसमें बढ़ा हुआ मिलता है। तो इतनी सारी कंडीशन है जिसमें बढ़ा हुआ मिलेगा, बट इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, कैंसर की रेंज का नहीं बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन बढ़ा हुआ रहता है। और इसके अलावा जो और बढ़ने की कंडीशन, अगर कैंसर की बात करें तो एक तो ओवेरियन कैंसर है, ओवरी का कैंसर उसमें बढ़ता है और ओवेरियन कैंसर में सबसे ज़्यादा बढ़ता है, ये महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए ओवेरियन कैंसर में इसका रोल है। और जो दूसरे कैंसर जिसमें बढ़ता है उसमें एक तो फेलोपियन ट्यूब का कैंसर उसमें बढ़ता है, एंडोमेट्रियम के कैंसर में बढ़ता है, इसके अलावा पैंक्रियाज का कैंसर है, स्टमक का कैंसर है, इसोफेगस का कैंसर है, लंग्स का कैंसर है, इन सब में भी CA125 बढ़ता है। तो मतलब ये सिर्फ ओवेरियन कैंसर के लिए स्पेसिफिक नहीं है ये मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा ये ओवरी के कैंसर में इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा बढ़ती है। अब ओवेरियन कैंसर में कितनी वैल्यू हो सकती है, किसी कैंसर में कितनी बढ़ सकती है वैल्यू, काफ़ी सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए ये तो डिपेंड करता है कि कैंसर किस स्टेज का है, शुरुआती स्टेज में वैल्यू कम रहेगी और जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगा, जैसे जैसे ट्यूमर का मास बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती मिलेगी। तो अगर किसी महिला को 500, 1000, 1500 इस रेंज में आ रहा है तो सतर्क रहने की ज़रूरत है, वो फिर एक कैंसर हो सकता है। लेकिन अगर कम रेंज में है, 100 के अंदर ही है, उस केसेस में बहुत सारी बिनाइन कंडीशन है जिसमें हो सकता है। अब अगर बात करते हैं जांच से संबंधित जो क्वेश्चन है कि ये जांच कहाँ होती है, तो लैब में होगी और ये ब्लड से होती है, ब्लड से सीरम निकाल लिया जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है जानने वाली। और इसमें कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई और तैयारी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस समय महीना आता है माहवारी के समय ये टेस्ट नहीं करवाना है, क्योंकि उस समय वैल्यू बढ़ी हुई मिल सकती है। और दूसरा प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में बढ़ी हुई मिल सकती है, एंडोमेट्रियाइटिस है या यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड है, तो ये सारी कंडीशन की अवेयरनेस होनी चाहिए, अगर है तो आपको अपने डॉक्टर्स को बताना रहता है। अब जो आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। एक तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहता है कि क्या CA125 का बढ़ना हमेशा कैंसर होता है, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल कंडीशन में भी नॉर्मल महिला को कई बार बढ़ा मिलता है, और बहुत सारी ढेरों ऐसी कंडीशन है जिसमें CA125 बढ़ा हुआ रहता है। तो इसको ओवेरियन कैंसर की इसीलिए मैंने कहा कि स्क्रीनिंग या डायग्नोसिस में काम नहीं आता, बल्कि इसका एक प्रोग्नोस्टिक इम्पॉर्टेंट है, एक रिकरेंस में इम्पॉर्टेंट है। तो ओवरऑल महिला के लक्षण देख के सोनोग्राफी में कहीं उसको ओवरी के अंदर गांठ है या कहीं और फेलोपियन ट्यूब में गांठ है, उसके बाद अगर CA125 बढ़ा हुआ है तो सिग्निफिकेंस है, मतलब एक बार CA125 बढ़ा हुआ है तो इतना तुरंत ही डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन ये आप लोगों का रहता है कि क्या CA125 की क्या लेवल है जिससे कैंसर हम बोल सकते हैं, तो इस तरीके से बताना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग स्टेज के हिसाब से ये बढ़ता है, जितनी ज़्यादा स्टेज की बीमारी उतना ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। बहरहाल अगर 1000 के ऊपर है, 1500, 2000, कई बार 3000 तक हो सकता है, उस केसेस में बहुत ज़्यादा चांस है कि कैंसर हो सकता है। और एक क्वेश्चन आप लोग ये भी पूछते हो कि ये टेस्ट कितना एक्यूरेट है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, डायग्नोसिस काम नहीं आता है, तो इसलिए एक्यूरेसी की इसमें बात ही नहीं है, ये तो जो कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट के बाद उसकी मॉनिटरिंग में काम आता है, आगे बीमारी रिकर ना हो, दोबारा नहीं आ जाए, उसके लिए है। ट्रीटमेंट कितना अच्छे से काम कर रहा है किसी महिला पे, उन सब के लिए करा जाता है, तो इसमें एक्यूरेसी की बात ही नहीं है, राइट। तो ये सारी बातें हैं जो CA125 के बारे में हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।